आखिर कब बनेगी भोटा पुलिस चौकी, ये सवाल अब जनता सरकार से पूछ रही है। वर्ष 2005 में 17 जून के दिन 15 वर्ष पहले भोटा पुलिस कक्ष का उद्घाटन हुआ था। वहीं इस संदर्भ में भोटा शहरी इकाई का प्रतिनिधि मंडल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि भोटा पुलिस कक्ष को पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया जाएगा, पर भोटा पुलिस कक्ष आज तक पुलिस चौकी में तब्दील नहीं हो सका। वहीं बात करें तो भोटा पुलिस के अंतर्गत 15 पंचायतें आती हैं और 3 नेशनल हाईवे आते हैं और दुर्घटनाएं भी काफी ज्यादा होती हैं और भोटा पुलिस के मात्र एकमात्र बाइक ही सहारा है। अगर स्टाफ की बात की जाए, एक ASI, हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल, 1 महिला कांस्टेबल है। भोटा शहरी इकाई के अध्यक्ष विनोद कितना का कहना है कि भोटा पुलिस कक्ष का उद्घाटन भाजपा कार्यकाल में 15 वर्ष पहले हुआ था। हम इसके संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल एक वर्ष पहले जयराम ठाकुर से मिला। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि भोटा पुलिस कक्ष को पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया जाएगा, पर यहां मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी। नगर पंचायत भोटा के अंतर्गत पुलिस सहायता कक्ष, जो कि आज से 15 साल पहले भाजपा की देन है और इसके अंतर्गत 15-16 पंचायतें आती हैं, 3 नेशनल हाईवे रोड हैं। हमने भाजपा शहरी इकाई का प्रतिनिधि मंडल पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के पास गए थे और भोटा में पुलिस चौकी को बनाने के लिए हमने आग्रह किया था। सभी पंचायतों की NOC वगैरह लेके हमने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जब मैं भोटा साइड आऊँगा, बड़सर मंडल पे आऊँगा, उस वक्त मैं घोषणा करूँगा पुलिस चौकी के लिए। बट फिर भी अभी तक जितना भी स्टाफ है ये यहाँ पर पुलिस चौकी द्वारा दिया गया है और सिर्फ इसमें एक कमी है कि यहाँ व्हीकल वगैरह इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ एक बाइक है। आगे पीछे कहीं भी इनको जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ आए दिन बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत चोरियाँ हो रही हैं और आजकल जो COVID-19 का विश्वीय स्तर पे जो बीमारी चली हुई है उसके अंतर्गत इनको हर एक जगह जाना पड़ रहा है। इसलिए इनकी व्हीकल की डिमांड सबसे पहले पूरी की जाए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द भोटा चौकी को, जो भोटा पुलिस सहायता कक्ष है, उसको चौकी में परिवर्तित किया जाए। व्यापार मंडल के उप प्रधान कमल दुग्गल का कहना है कि भोटा पुलिस कक्ष के अंदर 3 नेशनल हाईवे और 15 पंचायतें आते हैं और मात्र बाइक ही एकमात्र सहारा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि भोटा पुलिस कक्ष को पुलिस चौकी में तब्दील किया जाए। देखिए, ये जो भोटा में नगर पंचायत भोटा में जो पुलिस सहायता कक्ष है वो आज तक भी सहायता कक्ष ही बनकर रहा है, जबकि इसके अंतर्गत 15-16 पंचायतें आती हैं। भोटा के जो आप देखें चारों तरफ नेशनल हाईवे हैं, भोटा नेशनल हाईवे से घिरा हुआ है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर सरकार इसकी तरफ जरा भी नहीं देख रही है क्योंकि हमारी जो भोटा निवासी हैं उनकी सरकार से यही एक गुजारिश है, निवेदन है कि इस सहायता कक्ष को पुलिस चौकी के रूप में तब्दील किया जाए, जिससे कि यहाँ आने जो साथ में लगती पंचायतें हैं उन लोगों को, सभी को एक फ़ायदा मिल सके। तो हमारी सरकार से एक यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस सहायता कक्ष को पुलिस चौकी के रूप में तब्दील किया जाए। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सरकार की तरफ से सिर्फ एक वाहन, वो भी एकमात्र बाइक है, तो एक छोटी सी गाड़ी भी सरकार यहाँ पे दे जो कि स्टाफ को, यहाँ जो स्टाफ है उसको एक सुविधा उपलब्ध हो सके, जहाँ भी जाना है उन्होंने गाड़ी के माध्यम से जा सकें।